फिरोजाबाद में बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख चुकी एक महिला को 3 तलाक दे दिया गया। पीड़िता जैतून बेगम की उम्र लगभग 52 साल है, उनके 3 बच्चे हैं, लेकिन अवैध संबंधों की वजह से पति ने उन्हें 3 तलाक दे दिया। क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। फिर सामने आया 3 तलाक का मामला। 52 साल की महिला को पति ने दिया तलाक। अवैध संबंधों की वजह से बुढ़ापे में खत्म किए रिश्ते, संपत्ति भी की दूसरी महिला के नाम। पुलिस पर लगा संवेदनहीनता का आरोप। यह है फिरोजाबाद की जैतून बेगम। जिस उम्र में लोग पोते पोतियों के साथ खेलते हैं, उस उम्र में इन्हें 3 तलाक का दर्द सहना पड़ रहा है। इनके 3 बच्चे हैं, तीनों की शादी भी हो चुकी है, लेकिन इनकी खुशहाली को पता नहीं किसकी नजर लग गई। ये आरोप लगा रही हैं कि इनके पति मेहराजुद्दीन के गांव की ही दूसरी महिला से संबंध है। पति न सिर्फ इनसे मारपीट करता था, बल्कि उन्होंने संपत्ति भी उस महिला के नाम ही कर दी थी और आखिरकार इन्हें 3 तलाक भी दे दिया। हमारे आदमी के दूसरे संबंध थे और उससे हमने जब उससे कहना सुनी करी तो फिर हमें मानने लगे और हमें तलाक दे दी 3 दफे। अच्छा, फिर हम थाने गए थे, हमारे थाने कोई सुनवाई नहीं करी थी, फिर हम कप्तान साहब के पास गए। कप्तान साहब ने क्या कहा? कप्तान साहब ने कोई थाने जा। अच्छा, और जमीन जायदाद? जमीन जायदाद तो उसी के नाम पे कर। क्यों कर रहे हो? कर रहे हैं उसी संबंध है, उसी से हमारे पिताजी के गलत संबंध हैं, और जो कि हमारी जो कि माँ ने जो विरोध उठाया जो किया था तो उनको मारा पीटा, और मारने पीटने के बाद में जो हमको भी धमकियाँ घुड़कियाँ दी। हमें थाना फरिया में रिपोर्ट लिखाने पहुँची तो जो कि एसओ साहब ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। पीड़ित परिवार ने पुलिस से भी गुहार लगाई, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर इन्होंने SSP से मुलाकात की। SSP ने इन्हें आश्वासन दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि इंसाफ इतना आसान नहीं होगा। किसी गांव की महिला से अवैध संबंध है और उसको वो उनके नाम में जमीन भी कर रखी है उस महिला के नाम में, तो इसका विरोध जैतून बेगम ने किया। तो इनके पति ने उनके साथ में मारपीट की है 30 जनवरी 2020 को, और उसने जो है ना इनको 3 तलाक भी दे दिया है। ये लोग थाने गए, थाने में इनकी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। आज ये यहाँ पे आए हैं, कप्तान साहब को इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है। कप्तान साहब ने उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है और थाने जाने के लिए इनको कहा है। आरोपी मेहराजुद्दीन ग्राम का पूर्व प्रधान है, लेकिन कानून की जानकारी तो उसे भी होगी कि 3 तलाक देना गैर कानूनी है। रोज पर रोज इसके मामले सामने आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कानून नहीं जानते, सच तो यह है कि कई लोग जानबूझकर भी कानून को नहीं मानते। फिरोजाबाद से शुभम दुबे, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।